गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज। न्यूज वही जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूज वही जो आपके काम आ सकती है। इधर ना उधर किसी भी तरह की बातें नहीं करेंगे, केवल फोकस रहेगा एग्जाम्स में, केवल फोकस रहेगा आपकी न्यूज में। राइट, क्या क्या चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पर्टिकुलर न्यूज आपके बैंकिंग गवर्नेंस, स्पोर्ट्स जीके, इंटरनेशनल सफर, नेशनल सफर्स, राइट, बुक बेस पर, डेज बेस पर, किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो, किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ हो, रेजिग्नेशन हुआ हो, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कोई डाउट हो तो वीडियो के अंत में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करता हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट सभी के लिए है। SBI क्लर्क मीन्स, IBPS, RRB, PO मीन्स, क्लर्क मीन्स, SSC, रेलवे, NTPC या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके बहुत काम आएगा। तो ये कल स्कोर कार्ड आउट हुए थे IBPS, RRB, PO मेंस की। देखिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, राइट, जिनको जीके कैसे तैयार करना है, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, बहुत तगड़ा वीडियो था। अगर आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। इसमें पर्टिकुलर कितने मंथ का आपको जीके पढ़ना चाहिए, कहाँ से सोर्सेज मैंने भी बताए हैं कि कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, राइट, जीके कौन कौन से टॉपिक पेज पर नोट बना के आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स में मैंने बताया है। ओके, तो प्लीज एक बार आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इसी प्रकार जो मेरे मंथली बेसिस पे वीडियोस रहता है ना, राइट, जो आपके प्रत्येक मंथ के एंड में, उस मंथ में कौन कौन से टॉप 100 MCQs क्वेश्चंस बनते हैं, सभी का एक साथ एक PDF में जारी करता हूँ। ओके, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको PDF दे दूंगा। राइट, इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके साथ शेयर भी किया था स्टार्टिंग में, राइट, तो जुलाई मंथ में किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, इन सभी का एक साथ एक कलेक्शन एक ही बार में आप क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उसी प्रकार अपॉइंटमेंट किन किन का हुआ है तो अपॉइंटमेंट के लिए भी आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो डेफिनेटली यह इम्पॉर्टेंट वीडियो है, राइट, बैंकिंग एग्जाम्स में आपके यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। ये कल मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिया था। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल मिशन कॉल्ड मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य है, कौन सी ऐसी भारत की सरकार, भारत के राज्य की सरकार है जिसने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है। यह पर्टिकुलर एक एक क्या है, राइट, जिसमें पर्टिकुलर आपके जो COVID-19 में वह महिलाएं जिनके हस्बैंड का निधन हो गया है, वह इस पर्टिकुलर स्कीम की मदद ले सकती है, मिशन वात्सल्य। ओके, तो मिशन वात्सल्य जो कि स्टेट की स्कीम है, दैट इज द महाराष्ट्र, राइट, तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, भगत कोश्यारी रिसेंट में गवर्नर है महाराष्ट्र के, याद रखिएगा। ओके, भगत कोश्यारी।
नेक्स्ट उद्धव ठाकरे, रिसेंट में चीफ मिनिस्टर से आपकी MVA यानी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो पार्टी है, कांग्रेस NCP एंड NCP, कांग्रेस NCP एंड शिवसेना, इन तीनों ने मिलकर आपकी सरकार बनाई है राइट। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा ओके, शिवसेना के अध्यक्ष भी कह लीजिए। इज इट क्लियर, समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे, एंड बिफोर दैट राइट, आज है 31 अगस्त, यानी कि पूरा मंथ अगस्त का आपके कंप्लीट हो जाएगा राइट। तो अगस्त मंथ कंप्लीट होते ही राइट, जो अगस्त मंथ में अपन ने कौन कौन से डेज पढ़े हैं राइट, कौन कौन से डेज पढ़े हैं, इनका एक साथ मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, आप नोट करिएगा। स्टार्टिंग करेंगे अपन 1 अगस्त से, ये आपकी डेट रहेगी। इस दिन मुस्लिम्स वुमन राइट डे, यानी कि जो ट्रिपल तलाक है जो हटाया गया था, 1 अगस्त को ही हटाया था, याद रखिएगा। उसी प्रकार आपके 3 अगस्त को संस्कृत डे के रूप में बनाते हैं, जो लैंग्वेज है संस्कृत उसके डे पे। एक चीज याद रखिएगा, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर ऑफिशियल्स लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को प्रायोरिटी दी गई है राइट। 6 अगस्त को दैट इज द हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को बनाते हैं। 7 अगस्त को हैंडलूम डे, हैंडलूम डे के रूप में 7 अगस्त को बनाते हैं ओके। 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे जो कि आपका 10 अगस्त को, एक आता है टाइगर डे राइट, बाघ दिवस इसको कहते हैं, वो आता है 29 जुलाई को, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा राइट। फिर आता है 12 जुलाई को, 12 अगस्त को सॉरी, इंटरनेशनल यूथ डे, ये क्वेश्चंस बनता है, इंटरनेशनल यूथ डे जो कि आपका 12 अगस्त को, इसी दिन आपके एलिफेंट डे के रूप में भी बनाते हैं, नोट करिएगा राइट। ये आ गया आपके 12 अगस्त, 12 अगस्त को याद रखिएगा, 12 अगस्त को क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे और आपकी एलिफेंट डे। उसके बाद आता है 19 अगस्त को जो इम्पोर्टेंट है, आपकी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो कि आपकी 19 अगस्त को, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी दिवस जो कि आपकी 19 अगस्त को बनाते हैं राइट। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे राइट, वर्ल्ड मॉस्किटो डे क्योंकि आपके 20 अगस्त को बनाया जाता है ओके। यहां तक क्लियर हो तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा कि हाँ सर हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ है ओके। इज इट क्लियर, 20 अगस्त को वर्ल्ड 20 यानी कि 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस जो कि आपके 20 अगस्त को बनाते हैं, याद रखिएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे। तो 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, उसके बाद आता है 21 अगस्त को राइट सीनियर सिटीजन्स डे, सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को राइट। फिर आता है वुमेन्स इक्वलिटी डे 26 अगस्त को, फिर आता है और बहुत इम्पोर्टेंट है मेजर ध्यानचंद यानी कि आपके नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि आपकी 29 अगस्त को, 29 अगस्त को बनाते हैं ओके। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड्स, आई होप यू गाइस आपके सभी क्लियर हुए होंगे ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूज आपकी स्क्रीन पे है, अपने लिए बहुत ही प्राउड का एक मोमेंट कह लीजिए राइट, बहुत गर्व की बात है राइट। भारत ने 53 साल बाद, 53 इयर्स के बाद
यह एक पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है, पहली बार ऐसी खुशी के पल हैं कि पैरालंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ओके, मेडल्स की बात कर रहा हूँ, गोल्ड मेडल्स की। अब जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सुमित अंतल के, राइट। सुमित अंतल जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो, राइट, जेवलिन थ्रो में जो आपकी पैरालंपिक हो रहे हैं, आपकी राइट पैरालंपिक हो रहे हैं, राइट, सुमित अंतल, राइट, उनको एज अ गोल्ड के रूप में चुना गया, यानी कि उन्होंने गोल्ड जीता है भाला फेंक में। पहली बात तो सुमित अंतल का नाम भी आपने पहली बार सुना होगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि सुमित अंतल आपकी किस खेल से बिलोंग करते हैं। तो वह एक जैवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक है, याद रखिएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम्स का क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया, राइट। देवेंद्र झाझरिया, माय डियर एस्पिरेंट्स, इनको सिल्वर मेडल्स से संतुष्ट हुए हैं, राइट। यह भी एक जैवलिन थ्रोअर है, याद रखिएगा, राइट, सिल्वर मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। ओके, देवेंद्र झाझरिया जो कि आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, राजस्थान के चूरू जिले से। ओके, नेक्स्ट है सुंदर, राइट, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुंदर, राइट, इन्होंने, यह भी आपके राजस्थान के प्लेयर है, राजस्थान में ही इनका जन्म हुआ था, राइट, इनको ब्रॉन्ज मिला है, राइट, ब्रॉन्ज मेडल्स से संतुष्ट हुए हैं, राइट, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल्स, राइट, से यह संतुष्ट हुए हैं, दैट इज द सुंदर, राइट, इन्होंने जीता है, पार्टिकुलर सुंदर है जो कि आपके राजस्थान के करौली जिले से बिलोंग करते हैं, राइट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनेगा, तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन जरूर करिएगा। ओके, क्लियर, फिर बात करते हैं योगेश जी की, राइट, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, राइट, यह भी आपके हरियाणा से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, टोक्यो से हैं, तो प्लीज हरियाणा से बिलोंग करते हैं योगेश, और आपकी इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल्स जीता है। ओके, प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अवनी लखे, राइट, अवनी, राइट, इन्होंने शूटिंग में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, शूटिंग है जहां पर पहले स्थान पर यानी कि गोल्ड मेडल्स इनको मिला है, शूटिंग में यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर रही होगी तभी इनको गोल्ड मिला है, याद रखिएगा। ओके, अवनी लखे, पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में जो शूटिंग में भी महिलाएं आ गई। ओके, तो ये पैरालंपिक है अवनी लखेरा जो कि आपके जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया आप सभी को सारी की सारी न्यूज, तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं, देखिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरपर्सन थे रजनीश कुमार, चीफ आपके कुमार साहब है रजनीश कुमार, मेड एचएसबीसी एशिया डायरेक्टर एंड फॉर्मर एसबीआई चीफ यानी कि आपकी फॉर्मर पहले जो रह चुके थे एसबीआई के चीफ, दैट इज रजनीश कुमार, रिसेंट में आपके कौन है याद रखिएगा। तो देखिए फॉर्मर एसबीआई चीफ यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ थे रजनीश कुमार, अभी रिसेंट में आपको बताते चलो दिनेश कुमार खारा, राइट, दिनेश कुमार खारा रिसेंट में अभी चीफ है एसबीआई के, इनसे पहले थे रजनीश कुमार जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, अब इनको एचएसबीसी यानी कि आपके हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन, राइट, उनके एशिया के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, रजनीश कुमार रिसेंट में एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के
नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है आपके एसएल जैन, यानी कि पूरा नेम है शांतिलाल जैन, जो कि आपके अपॉइंटेड हुए हैं इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ, एमडी एंड सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। पहले ये ईडी थे, राइट, अब इनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया है इंडियन बैंक का। इसीलिए कहता हूँ बैंकिंग जो भी तैयारी करता है बैंकिंग एग्जाम्स, प्लीज मेरे वीडियो जरूर फॉलो करिएगा, प्रत्येक वीडियो जरूर लिखिएगा, अपॉइंटमेंट वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप जीके तैयार कर रहे हैं तो, राइट। एकदम स्पष्ट है, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। शांतिलाल जैन जो कि इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। ओके, दो ऑबिचुरीज हैं। देखिए स्पोर्ट्स रिलेटेड अपन ने बात कर ली, अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड अपन ने बात कर ली जो इम्पोर्टेंट है, अब बात करते हैं ऑबिचुरी से रिलेटेड। देखिए बुद्धादेव, राइट, बुद्धादेव गुहा, राइट, एक राइटर है, एक बंगाली राइटर है, बंगाली आप सभी परिचित हैं, राइट, तो उनका निधन हो चुका है। ओके, उनका निधन हो चुका है, एक बंगाली राइटर है, नेम है इनका बुद्धादेव गुहा, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाली राइटर आपसे क्वेश्चंस थोड़ा क्वेश्चंस घुमा के पूछे, यानी कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा ना, तो किस बेसिस पे बनाएगा कि बुद्धादेव गुहा जो कि एक राइटर थे जिनका निधन हो चुका है, किस भाषा के यह लेखक थे, तो यह बंगाली भाषा के लेखक थे, याद रखिएगा। किस भाषा के, बंगाली भाषा के लेखक थे, याद रखिएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया आप सभी को, तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट, रेनोवर्ड कोच, एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रख्यात कोच वासु प्रणजबे, राइट, जिनका निधन हो चुका है, वासुदेव जिनको कहते हैं, शॉर्ट में इनका नेम वासु है, राइट। ये कोच रह चुके हैं क्रिकेट के, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के कोच रह चुके हैं, जिनका भी निधन हो चुका है। ओके, ऑपर्चुनिटी से यह तो ही न्यूज थे। नेक्स्ट एक स्पोर्ट्स रिलेटेड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टुअर्ट बिनिंग, राइट, आप सभी परिचित हैं, राइट, वर्ल्ड कप में जो इनका एक स्पेल था, बहुत अच्छा स्पेल गया था इंडिया की तरफ से, राइट, तो स्टुअर्ट बिनिंग है जो अपने क्रिकेट से एक तरह से संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी, राइट, तो यानी कि क्रिकेट अब ये नहीं खेलेंगे, क्रिकेट से रिटायरमेंट का प्लान इन्होंने बना लिया है। ओके, स्टुअर्ट बिने कॉल्स टाइम ऑन हिज क्रिकेटिंग करियर। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया आप सभी को, तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। स्टुअर्ट बिने जो कि एक क्रिकेटर है, भारत की तरफ से खेला करते थे, ओके, तो इनका इन्होंने अब अपने पूरे करियर से एक रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, क्लियर। देखिए न्यूज के बेसिस पे स्पोर्ट्स रिलेटेड अपन ने पहले न्यूज पढ़ी थी पैरालंपिक मेडल्स के बारे में, देन आपकी स्टुअर्ट बिनिंग याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट में रजनीश कुमार और आपकी शांतिलाल जैन के बारे में, और ऑबिचुरीज में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, आपकी बंगाली राइटर थे बुद्धादेव गुहा, उनका निधन हुआ है, एक कोच थे वासुदेव जी, उनका निधन हुआ है, तो इस बेसिस पे दिमाग में पूरी की पूरी न्यूज बैठ जानी चाहिए। ओके, अंत में आपका क्वेश्चन है आज का, विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील ग्रीन स्टील, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील बनाने वाला भारत का कौन सा देश, सॉरी फॉर दैट, कौन सा देश बना है पूरे ऑल ओवर कंट्री का, राइट, जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील, ग्रीन स्टील जिसको कहते हैं। देखिए एग्जाम्स का एक फेमस क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा देश हो, कोई भी ऐसा फर्स्ट व्यक्ति हो जो पहली बार नियुक्ति हो, पहली बार सेटअप हो, तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपके सामने आज का क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा,
कि सर इसका आंसर आपकी यह होगा। ओके, तो वीडियो ओवरऑल अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल्स को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल्स पे न्यू है तो प्लीज़ करिएगा जरूर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जीके डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, कंटेंट जहाँ से भी अच्छा मिले वहाँ से आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।